मॉडिफाइड व्हाट्सएप को यूज करने के फायदे तो बहुत है, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे कारण के बारे में जिनको सुनने के बाद आप भी मॉडिफाइड व्हाट्सएप यूज करना बंद कर देंगे। तो यार, मॉडिफाइड व्हाट्सएप से हमारा मतलब है थर्ड पार्टी व्हाट्सएप का, जैसे जीबी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस से। तो व्हाट्सएप एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन नहीं है, मतलब व्हाट्सएप वाले किसी को भी व्हाट्सएप के कोड के साथ ऑफिशियली छेड़खानी नहीं करने देते, लेकिन फिर भी डेवलपर थोड़े बहुत ट्विक्स करके ऐसे मोड्स बना लेते हैं और वो कोड में ऐसे चेंजेस भी करते हैं जिससे कि वो आपके चैट्स और पिक्स को एक्सेस कर पाते हैं और वो उन्हें आगे बेच देते हैं, क्योंकि यार दुनिया में कुछ फ्री नहीं है और वो आपके डेटा को बेच के पैसे कमाते हैं। इसलिए ही मॉडिफाइड वर्जन प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है, और प्ले स्टोर पर ना होने का मतलब ये है कि आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो आपको बार बार डेवलपर की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। और यार, इन एप्स के अंदर ऐसी भी कैपेबिलिटीज होती है कि आपके फोन के अंदर छुपके से एडवेयर या स्पाईवेयर डाल सकते हैं, और आपको इन मॉडिफाइड व्हाट्सएप में ज्यादा फीचर्स तो मिलेंगे, लेकिन मॉडिफाइड व्हाट्सएप को यूज करने का एक और डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब भी नया अपडेट आता है तो थर्ड पार्टी डेवलपर को टाइम लगेगा उसका मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च करने में। खैर, इन सब चीजों को देखते हुए फेसबुक इनकॉर्पोरेशन ने, यानी कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी ने, थर्ड पार्टी व्हाट्सएप यूजर को बैन करना शुरू कर दिया। तो अगर आप मॉडिफाइड वर्जन यूज करते हो तो मेरा सजेशन है कि यार अभी जाके उसे अनइंस्टॉल कर दो। तो क्या आप यूज करते हो मॉडिफाइड व्हाट्सएप, बताना कमेंट्स में। अगर करते हो तो किस फीचर के कारण करते हो वो भी बताना जरा कमेंट्स में। आशा करता हूँ मैं आपसे और आप मुझसे जल्दी मिलोगे अगली वीडियो में। इट्स योर ओनली साइनिंग आउट।